गाय ही रहती, पर पिताजी ने उस ग्वाल भगत के विशेष प्रेमाग्रह के कारण भैंस को भी स्वीकार कर लिया। अब भैंस महाराज इतना दूध दे, खूब चकाचक साधु आनंद ले दूध, खूब दूध दही घी खूब होने लग गया। गाय भी ब्यागी, भैंस भी हो गई, और चोर जो है वो भैंस चुराने वाले लोग, वो एक नंबर भैंस थी। वो चोरों ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भैंस हमारे हाथ पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। वो महाराज रात को चोर आए और भैंस खोल कर ले चले। पिताजी जग ही रहे थे और वे चोर थोड़ी दूर पहुंचे तो पिताजी को ध्यान आया कि चोर भैंस ले जा रहे हैं, पर भैंस तो बिना पड़िया के दूध देगी नहीं। तो तुरंत उन्होंने पड़िया खोली और पड़िया का गिरमा उसकी रस्सी हाथ में लेकर के श्री पिताजी महाराज दौड़े पड़िया को। अब पड़िया हुर हुर कर रही है और पड़िया को लेकर पिताजी दौड़े, सीताराम सीताराम। अरे कौन पिताजी बोल रहे? बोले भरे रुक जाओ, आपको भैंस की जरूरत है, भैंस ले जाओ। पर भैंस बिना पड़िया के दूध देगी नहीं, ये बिचारी चिल्लाएगी पड़िया साथ ले जाओ। अब तो वो चोर बहुत लज्जित हो गए कि ऐसा कौन होगा कि नाद भर दूध देने वाली भैंस को कोई चुरा के ले जाए और वो पड़िया लेकर पीछे से दौड़े कि भैंस ले जा रहे तो पड़िया भी साथ ले जाओ, बिना पड़िया के तो भैंस दूध देगी नहीं, पड़िया भी साथ ले जाओ। वो लज्जित होकर के चरणों में गिर गए और वे सब शिष्य हो गए, उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और भैंस जैसी की तैसी लाकर पुनः स्थान में बांध गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की, काल कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल श्री या कमल में श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी। अपने संकल्प से जब ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार के कार्य में समर्थ नहीं हो सके, संकल्प से विस्तार वाली सृष्टि जब विस्तार को प्राप्त नहीं भई, तब आप भगवान की शरण में गए और भगवान ने ही ब्रह्मा जी के श्रीअंग से अपने आप को दो रूपों में प्रकट किया, श्री मनु और शत्रुघ्न। इसलिए वह परम पुरुष और प्रकृति, परा प्रकृति और परम पुरुष, उन्हीं का स्वरूप है मनु शत्रुघ्न। स्वयं भो मन अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि, उनके स्वरूप ही। वहां से मैथिली सृष्टि का शुभारंभ हुआ। दो पुत्र उत्पन्न हुए प्रियव्रत उत्तानपाद और तीन पुत्रियां उत्पन्न हुई आकुति देवहूति और प्रसूति। ध्रुव जी जैसे पौत्र प्राप्त हुए, प्रियव्रत जैसे परम तपस्वी विरक्त पुत्र प्राप्त हुए। बड़ा पवित्र खानदान, भरा पूरा खानदान श्री मनु महाराज की पुत्रियों के वंश में भगवान के अवतार हुए। यज्ञ नारायण अवतार वो आकुति के गर्भ से प्रकट हुआ, दत्तात्रेय भगवान देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए, श्री अनुसुईया जी के गर्भ से प्रकट हुए, ये दौत्रों के वंश में ही तो आए, और कपिल भगवान देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो इनके दौहित्रों का वंश भी इतना भगवान के अवतार, भरा पूरा परिवार। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपने मानव धर्म को सुव्यवस्थित बनाने वाली मनुस्मृति का निर्माण किया और मनुस्मृति का निर्माण करने के पश्चात एक भाव उठा, इस मनुस्मृति को चरितार्थ करके कौन दिखावे। तो जीव कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा था जो मनुस्मृति के आदर्श को अपने चरित्र के रूप में उतार करके लोगों के सामने प्रस्तुत करे। ऐसी सामर्थ्य केवल भगवान है, भगवान में है। धर्म के एक एक अंग को एक एक महापुरुष प्रकट करते हैं, किंतु धर्म के सर्वांगीण स्वरूप को, सांगोपांग स्वरूप को भगवान ही प्रकट कर सकते हैं।
क्योंकि श्री रामो विग्रहवान धर्म, भगवान मूर्तिमान धर्म। इसी इच्छा को लेकर के उन्होंने तप किया और अनाज नित्य सिद्ध दिव्य दंपति श्री सीताराम जी का साक्षात्कार प्राप्त किया और कहा, चाहूं तुम्ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। क्यों चाहते हो बेटा बेटी तो घर में छोड़ के आए हैं, फिर पुत्र क्यों चाहते हो? भाई पुत्र न हो तब तो याचना की जाए, और पूरा खानदान परिवार भर के आए हैं, अब पुत्र की क्या अभिलाषा है? बोले इसीलिए कि आप हमारे द्वारा बनाई भई मनुस्मृति को अपने चरित्र में जी करके दिखावे, उसको आत्मसात करके दिखावे। बोले आप भी हमारे पिताजी बनकर पधारिये, आप ही ना सिखाएंगे हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध आप ही कराएंगे। और वे ही मनुष्य रूपा दशरथ और कौशल्या के रूप से प्रकट हुए। श्री राम जी में कैसी अद्भुत प्रीति है, उस प्रीति के परम आदर्श को दशरथ जी ने प्रकट किया। बंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहरि। अब ये तो पता चल गया कि सबका सार है भगवान में प्रेम, और भगवत प्रेम को दशरथ जी के स्वरूप से मनु जी ने प्राप्त किया। किंतु अब पता चला कि भगवत उपासना भगवत प्रेम उससे भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है, वो क्या है? बोले भागवतों में अनुराग। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। तो तदीयाराधन श्रेष्ठ है, भगवान में प्रीति हो और भगवान से अधिक मोटे अधिक संत करी लेखा, संत में प्रीति हो। तो वे श्री मनु महाराज जो दशरथ कौशल्या के रूप से प्रकट होकर जिन्होंने श्री रघुनाथ जी को लाड़ लड़ाया था, उनके मन में भाव जगा कि रघुनाथ जी के अभिन्न स्वरूप संतों को भी हम लाड़ लड़ावे, और इसी इच्छा से वे दशरथ और कौशल्या मनु और शत्रुपा ही कलिकाल में श्री दीपा जी के रूप से प्रकट हुए और श्री सीता सहचरी जी के रूप से। राम जी को भी ये बात समझ में आ गई कि श्री रामावतार में हमने धर्म का पालन तो किया, धर्म की स्थापना तो की, किंतु धर्म आधारशिला है और उस पर सुशोभित जो महल है वो भागवत धर्म है, परम धर्म है। तो धर्म की स्थापना तो मेरे द्वारा हुई किंतु अभी परम धर्म की स्थापना बाकी है। इसी संकल्प को लेकर के कलिकाल में परम धर्म भागवत धर्म वैष्णव धर्म की स्थापना के लिए श्री रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो मही तले साक्षात रघुनाथ जी आकर के प्रकट भये हैं, द्वादश शिष्यों के सहित प्रकट भये हैं। पीपा जी का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है, कई दिनों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। संत सेवा की ऐसी अपूर्व निष्ठा, इसके कितने चरित्र हैं, अब उन चरित्रों का पुनः स्मरण कराएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा और कथा भाग कम हो जाएगा, इसलिए हम केवल पीपा जी का छप्पे बोल करके जहाँ तक हो चुकी है वहां से आगे के चरित्र का शुभारंभ करते हैं। पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दियो, पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दियो, पीपा प्रताप जग बासना नाहर को उपदेश दियो, पीपा प्रताप जगवासना नाहर को उपदेश दियो, प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मागन को दायो, भवानी भक्त मुक्ति मागन को दायो, सत्य कहो ते सत्य सुदृढ़ हरि शरण बतायो, सत्य कहो ते सत्य सुदृढ़ हरि शरण बतायो, श्री रामानंद पद पाए भयो अति भक्ति की सीमा, रामानंद पद पाए भयो अति भक्ति की सीमा, गुण असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा, गुण असंख्य निर्मोल संत धरि राखत ग्रीवा, परसी प्रणाली सरस भई
सकल विश्व मंगल कियो। अरसी प्रणाली सरस भई सकल विश्व मंगल कियो। पीपा प्रताप जग बासना नार को उपदेश दियो। पीपा प्रताप जग बासना नार को उपदेश दियो। श्री पीपाजी महाराज देवी जी की आज्ञा से श्री रामानंद स्वामी जी के चरणाश्रित होकर के गागरोनगढ़ पधारे। इनकी संत सेवा पर रीझ करके स्वामी जी ने आकर सफर कर 40 सिद्धों के साथ हजारों संतों के साथ स्वामी जी ने गागरोनगढ़ पर कृपा की, चातुर्मास व्रत किया और समस्त प्रजात में भक्ति के संस्कार प्रकट किए। विरक्त वेश स्वीकार करके श्री पीपा जी सीता सहचरी जी द्वारिका पधारे और द्वारिका में समुद्र में प्रवेश करके दिव्य द्वारिका में भगवान का दर्शन किया। 7 दिन तक भगवान के महलों में आतिथ्य स्वीकार किया। वहां से शंख चक्र की छाप लेकर के जीवों के उद्धार के निमित्त आप द्वारिका पधारे और अधिक भीड़ भाड़ और लोक प्रतिष्ठा लोक मान्यता से उद्विग्न होकर सीता सहचरी जी की प्रेरणा से अर्धरात्रि के समय द्वारिका त्याग करके द्वारिका छोड़ करके वहां से वे पधारे। मार्ग में एक सिंह को दीक्षा दिया और वहां से दीक्षा देने के बाद शेष आई में आए, जहां एक विमुख बणिक के ऊपर आपने कृपा की। शेषाई भगवान को लठिया चढ़ती है, लठिया मांगी चढ़ाने के लिए, बोले बाबा जी पैसा ला। बोले पैसा कहां हमारे पास रखा है? तो बोले बिना पैसे के यहां कोई चीज नहीं मिलती, राम राम करो। अरे बोले तुम्हारे पास तो बहुत लाठियां हैं, एक हमको लकुट दे दो, ठाकुर जी को भेंट करेंगे। जाओ जंगल में चले जाओ, बसवारी से काट लाओ, बांसों का जो झुरमुट बसवारी है उसे काट लाओ। हम कहां खोजने जाएंगे जंगल में, तो बड़े सिद्ध हो तो यही बसवारी प्रकट करके काट लो। पीपाजी ने कहा जैसे ही श्री सीताराम जी की इच्छा। इतना कहते ही उसके दुकान के जितने बांस थे वो सब बांस बन गए, सब में पत्तियां उगाई, झुरमुट हो गया, दुकान बेचारी की नष्ट हो गई। पीपाजी ने तुरंत एक बांस की लकुट काट लिया, अब तो चरणों में गिर गया। तब बोले कि जो भी साधु आवे उन्हें ऐसे ही बिना मूल्य के ठाकुर जी को भेंट करने के लकुट दो, तो फिर ठीक हो सकता है। उस पर कृपा करके आप वहां से चीधर भगत के यहाँ आए, जहाँ चीधरानी ने अपने वस्त्र को उतार करके बेचकर संत सेवा की। उससे प्रसन्न होकर आपने सीता सहस्त्री जी ने निश्चय किया कि हम अपने आप को बेचकर संत सेवा करेंगे और उससे जो भी आय प्राप्त होगी उसको चीधर भगत के यहाँ दे देंगे। पर लोगों ने पहचान लिया ये साक्षात पीपा जी हैं। बहुत कुछ अन्न धन आ गया, सब चीधर भगत को भेंट कर दिया। चीधर ने भी सब संत सेवा में व्यय कर दिया और वहां से चलकर के श्री टोड़े राजस्थान की रियासत टोड़े में आए और वहां आकर के राजा सूरजमल सेन के ऊपर कृपा की। ठाकुर जी ने छप्पर फार करके 720 सोने की मोहरें दी, एक एक मोहर 5-5 तोले की। ये भी आप लोग चरित्र सुन चुके हैं। और बंजारों के ऊपर कृपा की, बंजारों को लोगों ने बहका दिया था कि पीपाजी बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनसे बैल खरीद लो, पर वो बैल देते तब हैं जब पैसा ले लेते हैं, पहले पैसा दे देना। उन्होंने महाराज मोहरों की थैली ढेरी लगा दी, बोले महाराज बैल हम लेना चाहते हैं। पीपाजी बोले हम साधु भजन करते हैं, हम बैल के व्यापारी नहीं है। पर वे एक बात नहीं सुन रहे थे, एक शब्द नहीं सुन रहे थे, एक बात नहीं सुन रहे थे, एक बात नहीं सुन रहे थे, एक शब्द भी नहीं सुन रहे। उन्होंने तो ढेर लगा दिया मोरों का, तो बैल देना पड़ेगा। पीपाजी समझ ले ठाकुर जी संत सेवा कराना चाहते, बोले हमारे बैल तो सब चरने गए हैं, कल आ जाएंगे, छांट करके ले जाना। कितने बजे आएंगे महाराज खरीदने? कितने बजे आवे लेने, छांटने बैल कितने बजे आवे? बोले वही 12-12 का समय है, उसी समय आ जाना। आपने दूर दूर तक संतों को निमंत्रण भेज दिया, सैकड़ों संत आ गए, बढ़िया बढ़िया रसोई बन गई, हजारों संत जीम रहे थे। तब तक बंजारे आए, बोले महाराज बैल कहाँ है? कही ये सब बैल ही तो हैं, ये सब संत, आपको जितना रुचि करे 100, 50, 1000, 500 जिसको जितना चाहिए उतना ले जाओ और इनकी घर में ले जाकर सेवा करो। विनोद में कहा, पर संतों का विनोद भी रहस्य पूर्ण होता है। ये बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है। धर्मम ब्रवीस धर्मज्ञ धर्मोसी ब्रसरूपधृक, धर्मोसी ब्रसरूपधृक। तो जब
धर्म को वृषभ रूप कहा गया तो संत तो परम धर्म का पालन करने वाले हैं, वो तो परम वृषभ हैं, उनसे श्रेष्ठ वृषभ और कौन हो सकता है। वृषभ शब्द का अर्थ क्या होता है? वैदिक निरुक्त में वृषभ शब्द का अर्थ लिखा है वर्षणात वृषभा, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के कारण वृषभ कहा गया, और वृषभ शब्द को परमात्मा का वाचक कहा गया। चत्वारी श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभा वृषभो रोरवीति, ये मंत्र है। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति ऋग्वेद का मंत्र है। तो भगवान को वृषभ कहा गया, वृषभो, और भक्त और भगवान में भेद नहीं है, इसलिए संत भी वृषभ ही है। ये भी वर्षणात् वृषभा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये वांछा कल्पतरु हैं, आश्रितों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर देते हैं, इसलिए ये भी वृषभ ही। बंजारे सब शिष्य हो गए, बोले महाराज आपने तो बहुत सुंदर हमारा व्यापार करवाया, जीवन में कभी संत सेवा नहीं बनी, आपकी कृपा से हो गई। अभी संत जी रहे, हम अचला और ले आवे बाजार से, अचला सबको बांटा, दक्षिणा दिया। उसके बाद सूरजमल भी शरण में आ चुका था, सूरजमल पर कृपा की, एक विषयी बणिक का उद्धार किया। और इसके बाद श्री पीपाजी महाराज ने जिस सूरजमल में अपने सदगुरुदेव के प्रति किंचित अश्रद्धा हो गई थी, उस अश्रद्धा को भी समाप्त कर दिया। और इसके बाद श्री पीपाजी टोड़े से चल करके पुनः श्री गागरौनगढ़ में आ गए, 5 वर्ष तक गागरौनगढ़ में रहे, और यहाँ एक विषयी कुटिल के ऊपर वेशधारी के ऊपर कृपा की, और 4 विषयी वेशधारियों के ऊपर पुनः कृपा की। और इसके बाद अनेक चरित्र हैं श्री पीपाजी महाराज के। अब जो चरित्र हैं उनके, उनको हम जो कह रहे थे उस कवित्व को कह करके आगे के चरित्रों को कहते हैं। गुजरी को पियो दही संतन ने राम ब्राह्मण को भक्त कियो देवी दैनी कारी के, हाँ ब्राह्मण को भक्त कियो देवी दैनी कारी के, तेली को जीवा भैंसी चोरनी पे फेरियायो, तेली को जीवायो भैंसी चोरनी पे फेरियायो, गाड़ी भरी आयो तन 5 थोर जार के, आयो तन 5 थोर जार के। गुजरी को धन दियो, ये चरित्र आप लोग कल सुन चुके हैं। संतों को दही पीने की इच्छा थी, आज ठाकुर जी को दही बूरे का भोग लगे। अकिंचन पीपा जी के यहाँ 1 कौड़ी भी नहीं थी, इतने में एक गुजरी आ गई, दही लो दही, दही लो दही। बोले दही तो हम लेंगे, कितने का दोगी? बोले 3 आने का दही, पूरा मटका भर दही। पीपाजी बोले 3 आने की क्या चले, यहाँ तो 1 पाई नहीं है, पर दही हमें जरूरत है। हाँ बस इतना है, आज तू संतों को दही झिक करके पवा दे, ठाकुर जी को भोग लग जाए, दही संत पाले। अब आज जो भी भेंट आएगी वो तेरे दही की कीमत समझी जाएगी। गुजरी बोले कोई पक्का है कि भेंट आएगी? साधुओं का क्या पक्का, भेंट आवे आवे, नहीं आवे नहीं आवे। पिताजी बोले नहीं आएगी, तो हंसकर बोले तो दही की ही भेंट समझी जाएगी कि आज ठाकुर जी ने दही की भेंट भेजी। दही संतों ने पाया तृप्त होकर के। इसी बीच में एक धनी मानी व्यक्ति आया, जिसने स्वर्ण का थाल और ऊपर तक सोने की बहुत वजनदार मोहरें भरी हुई थी थाल में, और मोतियों की माला से उसको सजाया गया था। पीपाजी का पूजन किया और स्वर्ण थाल मुहर और मोतियों की माला भेंट की। पीपाजी ने तुरंत गुजरी को उठा के दे दी, ले जा। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चित्त में धन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं होती है। वो बेचारी डर गई, बोले महाराज हमने तो जीवन में मोहर देखी नहीं, पहली बार अवसर मिल रहा है देखने का, ये हमारे दही की कीमत नहीं है, राजा छापा मार लेगा और चोर चोरी कर लेंगे।
कुछ भी हो जो भेद तेरी, और आज शाम तक और भी जो कुछ आएगा वो सब तेरा होगा। हठ पूर्वक उसको आज्ञा दी ले गई, गुजरी उस थाल को लेके गई, तो अब तक वो पूरा उसका परिवार विमुख था। गुजरी में श्रद्धा थी इसलिए कभी कभी वो नजर बचा के घर वालों की दूध दही पिताजी के यहाँ पहुंचा देती थी। आज जब संतों की उदारता को उस परिवार ने देखा, ये सब रोने लगे, हाय संत ऐसे होते हैं, ये सारा धन दे दिया, तो सात पीढ़ी तक कमाते तो इतना नहीं कमा सकते थे, और सात पीढ़ी तक बैठ के खाएं तो इतना खा नहीं सकते। उन गुजरों ने भी निश्चय कर लिया, ये दही को हम ठाकुर जी की भेंट ही समझेंगे, हमें इसकी कीमत नहीं चाहिए। वे सब के सब पहुंचे और पिताजी के पूरे गुजरों का खानदान सब पिताजी का शिष्य हो गया, और सारे धन को उन्होंने संत सेवा में ही व्यय कर दिया। ऐसे वे विलक्षण थे। गुजरी को धन दियो, भगवान संकल्प कर लें कि इसको धन मिल जाए। सुदामा जी के लिए संकल्प कर लिया तो सोने की द्वारिका प्रकट हो गई। पिताजी जैसे समर्थ संत संकल्प कर लें कि इस गरीबनी गुजरी को धन मिल जाए, तो भले ही वो ले या न ले, महाराज उसके यहां तो अपरिमित लक्ष्मी प्रकट हो गई। ब्राह्मण को भक्त कियो। हमारे महाराज जी कहते थे कि आप लोग अनुचित न माने, भक्तमाल की कथा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है, कई बार वक्ता के प्रति भी लोगों को संदेह हो जाता है कि ब्राह्मण है कि कोई और किसी और किसी जाति का तो नहीं है। एक जगह ग्वालियर की बात है, रैदास जी की चर्चा हमने की, तो वहां के कुछ मंदिर के पुजारियों ने प्रचार कर दिया वो व्यास जी जो है वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो अहिर है, वो अहिर को कथा नहीं कहनी चाहिए, तुम लोग कैसे हो बताओ अहिर से कथा करवा रहे हो। वहां एक परिचित व्यक्ति थे, वो लड़ पड़े इस बात के ऊपर। हमने कहा भाई झगड़ा मत करो, ये भक्तमाल की कथा ही ऐसी है, ये शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। भगवान की भक्ति अतिशय दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है भगवान की भक्ति। स्वयं श्रीमद् भागवत में उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमयी श्रेयोभिर विविधई चान्ये ही कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। लेकिन इतना सब साधन करने के बाद भी भगवान में प्रीति नहीं हो पाती। आज श्री अवध में परम श्रद्धे पूज्य श्रीमद स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज के चरणों में गए, उन्होंने यही बात कही, तो कुछ सुनाओ। तो श्री कर्मेति जी की चर्चा दास ने उनके चरणों में किया, कठिन काल कल युग में कर्मेति निष्कलंक रही। तो उन्होंने कहा भगवत प्रेम और भगवत भक्ति यह अतिशय दुर्लभ है, मुक्ति से भी अधिक दुर्लभ है। इसलिए भगवान मुक्ति देने में देर नहीं करते, पर भक्ति देने में बहुत ठोक बजा करके देखते हैं। और सरकार कहकर रोने लग गए, बोले